हेलो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप काफ़ी ज़्यादा अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं माइलस्टोन एवरीडे। आज भी मैं आपके सामने लेके आया हूँ एक इंटरेस्टिंग सा वीडियो। मैं आपको बताने वाला हूँ आज कि अगर आप प्री ओन्ड गाड़ी देख रहे हैं मार्केट में और आपको थोड़ा कंसर्न है कि इसका किलोमीटर बैक तो नहीं किया गया है, तो इसको कैसे चेक करेंगे, आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। जनरली जो प्री ओन्ड मार्केट में जो जितने भी सेकेंड हैंड गाड़ी जो हम बोलते हैं वो मार्केट में जो मिलती है वो उसका किलोमीटर बैक करके डीलर लोग बेचते हैं। वो बोलते हैं बहुत ज़्यादा चला हुआ गाड़ी को किलोमीटर को वो रीसेट कर देते हैं और कस्टमर को थोड़ा झांसे में लेते हैं और वो बेचते हैं। ऐसे में ये जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपका जो भी गाड़ी आपके मार्केट में मिल रहा है उसका किलोमीटर ऑथेंटिक है कि नहीं। उसको जानने के लिए कुछ तरीके हैं, मैं आपको आज शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को इस बिना स्किप करके आप अंत तक देख लीजिए। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्टर है। अगर आपका गाड़ी ज़्यादा किलोमीटर चला हुआ है और किलोमीटर बैक करके वो कम करके अगर मार्केट पे बेच रहे हैं, तो अगर आप वैसे वाली गाड़ी आप लेते हैं तो आपको काफ़ी नुकसान में पड़ने वाले हैं, क्योंकि वैसे अगर आप गाड़ी लेते हैं तो वो काफ़ी आपको खर्चा बाद में कराएगा। तो ऐसे में ये जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है कि ये इसका किलोमीटर बैक किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है। इसको जानने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, इसका हम इंडिया में जितने भी गाड़ी ड्राइव करते हैं उनका ड्राइविंग पैटर्न हमको जानना ज़रूरी है। जनरली हम लोग ड्राइव कैसे करते हैं आपको जानना है। हम ड्राइव ऐसे करते हैं जैसे हमारा एक राइट हैंड जो होता है वो विंडो के तरफ में जो ये क्या बोलते हैं इसको आर्मरेस्ट होता है उधर हम रख देते हैं। तो वहीं से आपको पता चलता है अगर आप गाड़ी देख रहे हैं और आपका जो जहाँ पे आर्मरेस्ट है वो आर्मरेस्ट रखने का जगह में काफ़ी घिसा हुआ है, मतलब किलोमीटर 15-16 हज़ार दिखा रहा है लेकिन आर्मरेस्ट वाली जो जगह है वो काफ़ी घिसा हुआ है। तो आपको थोड़ा सा वहीं से आप पकड़ लेना चाहिए कि इसमें कुछ ना कुछ झोल है। तो दूसरा चीज़ ये आपको वीडियो में मैं बता ही देता हूँ, जो आर्मरेस्ट की बात कर रहा हूँ मैं इसकी बात कर रहा हूँ। जैसे हम गाड़ी जब चलाते हैं तो ये हमारा आर्म ऐसे करके इधर लगता है, तो काफ़ी हमारा जो राइट हैंड है ये हम पावर विंडो के नॉब हम काफ़ी ऐसे यूज करते हैं। तो हमको इस ये वाले एरिया से भी पता चलता है कि गाड़ी कितना किलोमीटर चला हुआ है। अगर आपका गाड़ी का किलोमीटर काफ़ी कम है लेकिन ये जो नॉब में ये जो लिखा हुआ है ये जो पॉइंट्स है और ये जो सरफेस है अगर ये काफ़ी घिसा हुआ है तो आपको थोड़ा सा डाउट में इसको लेना चाहिए कि गाड़ी काफ़ी ज़्यादा चला हुआ है। दूसरा चीज़ होता है हमारे एक्सेलेटर ब्रेक और क्लच के जो पेडल है यहाँ से भी आपको मालूम चलता है कि गाड़ी कितना किलोमीटर चला हुआ है। अगर गाड़ी काफ़ी ज़्यादा किलोमीटर चला हुआ है, काफ़ी रगड़ा हुआ है, तो ये जो एक्सेलेटर का जो पेडल आप देख रहे हैं ये काफ़ी घिसा हुआ रहेगा और ब्रेक और क्लच के जो भी जितने भी पेडल है ये काफ़ी घिसे हुए रहेंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं मेरी गाड़ी में ये जितने भी इसके जो पैड्स हैं ये कंपनी फिटेड है। अगर ये ज़्यादा घिसे हुए हैं और डीलर ने चालाकी करके इसको चेंज भी कर दिया तो आफ्टर मार्केट में जो चीज़ें मिलती हैं वो इस टाइप से नहीं होते, आपको मालूम चल जाएगा। तो सेम चीज़ ये नॉब्स के बारे में भी है। अगर कुछ डीलर लोग अगर इसको चेंज भी कर देते हैं तो फिर वो काफ़ी नए दिखते हैं, मतलब आपको मालूम चल ही जाएगा कि इसमें कुछ ना कुछ इसमें झोल है, इसमें कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन किया हुआ है, इससे आपको मालूम चल जाएगा। तीसरा चेक पॉइंट आता है स्पीडोमीटर इटसेल्फ, मतलब इसमें क्या होता है जब किलोमीटर बैक करने का प्रोसेस होता है। मैं आपको बताता हूँ ये किलोमीटर का जो ये पूरा असेंबली है इसको निकाल के बाहर करते हैं और इसमें पीछे एक इसका मशीन आता है वो लगा के फिर इसको बैक करते हैं। तो वो प्रोसेस में फिर क्या होता है ये जो किलोमीटर का जो एरिया देखते हैं तो यहाँ पर आप अगर गौर से देखते हैं अगर वैसे गाड़ी में अगर काला काला धब्बा है, हाथ के निशान है, फिंगरप्रिंट छोड़ जाते हैं क्योंकि फिटर लोग ही काम करते हैं, उनके हाथ में ग्रीस वगैरह ये सब लगा हुआ होता है तो वो छोड़ जाते हैं, वो भूल जाते हैं उसको साफ़ करना। तो वहाँ से भी आपको मालूम चलता है कि किलोमीटर में कुछ ना कुछ इसमें गड़बड़ किया हुआ है। तीसरा चेक पॉइंट है दोस्तों ये जब आप गाड़ी को ऐसे चलाते हैं तो जब आप ये जो स्पीडोमीटर है ये जो आप देख रहे हैं लाल कलर का ये जब आप जैसे आपका स्पीड प्रोग्रेस करता है ये खट खट करके चला जाता है, एकदम से स्मूथली ऊपर नहीं जाएगा,
जैसे आप गाड़ी 20 से लेके 40 का स्पीड में ऐसे मूव करते हैं तो ये आराम से नहीं जाएगा, खट खट करके मतलब ये 10-10 के इंटरवल पे चला जाएगा, या तो कभी एकदम 20 के इंटरवल पे चला जाएगा, एकदम स्मूथली ऊपर नहीं जाता है। जब स्पीडोमीटर में छेड़खानी करते हैं तो ये प्रॉब्लम आ जाता है, तो वहीं से आपको मालूम चल जाएगा कि गाड़ी का किलोमीटर जो स्पीडोमीटर है वो बैक किया हुआ है या रिसेट किया हुआ है। इन्फॉर्मेशन काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और हेल्पफुल मिला होगा। अगर आप ऐसे प्री ओन्ड मार्केट में जाके गाड़ी अगर आप ढूंढ रहे हैं तो ये आपको काफ़ी यूज़फुल साबित हो जाएगा। आपको ये चीज़ें जो मैंने आपको 3-4 चीज़ें बताया ये अगर आप ध्यान में देते हैं तो आप कभी नुकसान में नहीं पड़ेंगे। तो अगर आप चैनल में नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, चैनल को इस वीडियो को लाइक कीजिए और हो सके तो आप दोस्तों से ये आप शेयर भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक और